सोनू पदमपुर परमेश्वर आपसे सेव कई चाहते हैं। कोई बात से अभिषेक का तेल लेकर आइएगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक पास्टर बनकर वहां सेवकाई करें। महीने में एक दिन एक संडे ऐसा रखें जो यहां आ सकें। ज्यादा दिन भी आना चाहे आ सकते हैं, नहीं तो संडे के वहां पर आप बंदगी शुरू करें। परमेश्वर तेरे द्वारा वहां बड़े चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करेंगे। जिन पर आप हाथ रखोगे वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा। मैं यहोवा परमेश्वर पर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से इस बेटी का अभिषेक करता हूं। परमेश्वर पिता, जिन पर ये हाथ रखें वो लोग चंगाई पाएं, आराम पाएं, छुटकारा पाएं। आप अपने वचन के गहरे भेद दें मेरे परमेश्वर पिता, और वहां बहुत सी रूहें बच सकें। इसलिए आज इस बेटी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। सुभाष परमेश्वर से सेवके लेना चाहते हैं। परमेश्वर मुझसे कहा कि इसका पास्टर होने के लिए अभिषेक करना है। यहां चर्च को मत भूल जाइएगा। महीने में कम से कम एक संडे यहां आइए, बाकी संडे वहां आप बंदगी कीजिए। प्रार्थना नहीं, बंदगी। आराधना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और आज जैसे ही तेरा अभिषेक होगा यहां से नीचे उतर दे तो और कौर हो जाएगा। शाऊल का अभिषेक हुआ, उसका मन परिवर्तित हो गया। परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। अगर कोई कहे जो वहां आते हैं तो उनके घर में बंदगी रखें। वचन को पढ़ें। आज से आप जब वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर आपको अलग तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। आपको बुद्धि प्रकाश देंगे, ज्ञान देंगे। और ऐतवार का समय नियुक्त कर रखें। उस ऐतवार के समय में अपनी मन की इच्छा को पूरा नहीं करना भी। आज मैं वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, स्वाई चर्च के आने की। और वहां चर्च में आपके घर के लोग बैठे ना बैठे, और पवित्र आत्मा जी कहते हैं कि इस कार्य में एक वहां और है बहन जो तेरी मदद करेगी, और वो रोशनी है। क्या आप तैयार हो? अपने दोनों हाथ सर की ओर उठाएं। परमेश्वर पिता,
आज से जिनके ऊपर ये हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां बीमारियां निकलें, दुष्ट आत्माएं निकलें, जादू टोने की ताकतें निकलें और वो लोग पवित्र आत्मा को पाएं और वो लोग पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा को पाएं। आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से इसका अभिषेक करते हैं, इसका अभिषेक करते हैं। आज से जिनको छुए इसके छूने से लोग चंगे हो, इसके सोने से लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाए, ब्लेसिंग आए, नशे से बाहर निकले, अंधकार की ताकतें खत्म हो। Amen.